कहता है वंदे मातरम वही होगा बोलेगा जो देशद्रोही होगा। हाँ, जो 22 प्रतिज्ञा नहीं मानेगा वो देशद्रोही होगा। बाबा साहब को लिखने वाला सेम्बुल ऑफ बाबा साहब, सेम्बुल ऑफ नॉलेज है, डॉक्टर ऑफ साइंस है। तू कितना पढ़ाई किया है? इसीलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ, सत्य में उजैते के रोशनी को बंद मत करो, वंदे मातरम बोलना बंद करो और 22 प्रतिज्ञा को 22 कानून बनाइए। सम्राट अशोक धर्म विजयदशमी है, आज के दिन सम्राट अशोका ने बुद्ध तलवार फेंक के बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और आज ही के दिन बोधिसत्व बाबा साहब जी ने नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। हम लोग ये दीक्षा समारोह कड़सर ग्राम में बक्सर जिला बिहार में हम लोग 50,000 धर्म दीक्षा का तैयारी हम लोग किए हैं। ये हम लोग धर्म दीक्षा दिलवाने आए हैं, इसी के लिए हम लोग धर्म यात्रा निकाले हुए। एक तरफ बिहार और पूरे देश में दशहरा नवमी और कहिए दशहरा मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ देख सकते हैं कि तमाम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर जी का फोटो लेके, तथागत बुद्ध का फोटो लिए हुए हैं, उनकी प्रतिमा लिए हुए हैं और तमाम बौद्धिस्ट लोग यहाँ पर शामिल हैं। आखिर क्या कारण है कि लोग एक तरफ दशहरा मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ ये लोग अशोक विजया धम्म दिवस मना रहे हैं, इसको लेके इन लोगों से जानकारियाँ लेने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या कारण है ये? अभी वर्तमान में हम बौद्ध विहार बक्सर में उपस्थित हैं जो कि बिहार के अंदर पड़ता है, बौद्ध विहार खंडसर, तो हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या है। क्या कहिएगा, एक तरफ निकला जा रहा है दशहरा, आप अशोक विजय, ये दशहरा नहीं, ये सम्राट अशोक धर्म विजयदशमी है। आज के दिन सम्राट अशोका ने बुद्ध तलवार फेंक के बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और आज ही के दिन बोधिसत्व बाबा साहब जी ने नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। हम लोग ये दीक्षा समारोह कड़सर ग्राम में बक्सर जिला बिहार में हम लोग 50,000 धर्म दीक्षा का तैयारी हम लोग किए हैं। ये हम लोग धर्म दीक्षा दिलवाने आए हैं, इसी के लिए हम लोग धर्म यात्रा निकाले हुए हैं। क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है भारत बौद्धमय हो जाए, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई न रहे, हर मानव मानव बन जाए, यही मेरा सपना। इंसान के औलादे इंसान बनेंगे, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, बदले हुए वक्त का पहचान बनेंगे, हमको प्रबुद्ध भारत बनाना है। एक तरफ कहा जाता है हिंदू राष्ट्र की सपना देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि बौद्ध राष्ट्र बनाए, ये देखिए हिंदू राष्ट्र नहीं था, हिंदू का मतलब गुलाम होता है, ये बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। ये तथागत बुद्ध की ये यही जग में नाम है, तथागत बुद्ध की नाम है, यही देश किसान है, तथागत बुद्ध का पूरे नाम है, ये देश किसान है, यही सब बात है। और भारत बौद्धमय की तरफ चल दिया है, आप ये धम्म यात्रा देख कर आप महसूस कर सकते हैं। जी जी, और क्या कहेंगे, मैंने इस जो आप उद्देश्य लेकर चले हैं, क्या लगता है कि इस देश में पूर्ति होने वाली है? उद्देश्य पूर्ति होने वाला है, एकदम पूर्ति होगा। बाबा साहब ने जब 5 लाख लोगों को लिया था, करोड़ों लोग धम्म दीक्षा ले रहे हैं, ये अभियान चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। भारत बौद्धमय बनाकर हम लोग छोड़ेंगे, एकदम भारत बौद्धमय होगा ही होगा, जीने वाला है। ये मैं नहीं कहता हूँ, भारतीय संविधान कहता है सत्यमेव जयते, कहता है वंदे मातरम वही होगा बोलेगा जो देशद्रोही होगा। हाँ, जो 22 प्रतिज्ञा नहीं मानेगा वो देशद्रोही होगा। बाबा साहब को लिखने वाला सेम्बुल ऑफ बाबा साहब, सेम्बुल ऑफ नॉलेज है, डॉक्टर ऑफ साइंस है। तू कितना पढ़ाई किया है? इसीलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ, सत्य में उजैते के रोशनी को बंद मत करो, वंदे मातरम बोलना बंद करो और 22 प्रतिज्ञा को 22 कानून बनाओ। और जो लोग 22 प्रतिज्ञा नहीं मानेंगे वो देशद्रोही होते हैं, छुआछूत फैलाना चाहते हैं, हमारे अखंड भारत को खंडित भारत और अछूत भारत बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आज के दिन अपील करता हूँ, सत्य में उजैते बोलना सीखिए, वंदे मातरम बोलना बंद कीजिए। साधुवाद, धन्यवाद। आप कह रहे हैं भंते जी कि जो 22 प्रतिज्ञा है सबको ये मानना चाहिए, नहीं मानेंगे दुश्मन है, और इस पर विरोध भी किया जाता है 22 प्रतिज्ञा को। हाँ, विरोध वही करता है, करने वाला लगता है कि 90% ब्राह्मण लोग होते हैं जो देशद्रोही होते हैं। बाबा साहब दीक्षा ले रहे थे तो संशोधन किया, त्रिरत्न को पंचशील को स्वीकार किया और 22 प्रतिज्ञा इसलिए दिया कि जात से जात पात छुआ छूत भेदभाव खत्म हो जाए, भूत प्रेत का पाखंड, ये जो सांप्रदायिक दंगा है ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, देश प्रबुद्ध भारत बने, गरीब भारत सोने की चिड़िया बने, ये मेरा चुनौती है। मैं 22 प्रतिज्ञा का विशेषज्ञ हूँ, मैं सरकार को चुनौती देता हूँ, जो लोग 22 प्रतिज्ञा नहीं मानेंगे वो देशद्रोही करार हो जाएंगे। और मोदी सरकार को भी कहते हैं, आपने कहा था कि बाबा साहब के संविधान से चाय बेचने वाला आज का प्रधानमंत्री है, तो अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी आज के बाद भगवत कपड़ा नहीं पहनेंगे और हमारे भारत हुआ सोने की चिड़िया को कभी भी हिंदुस्तान नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे तो मैं भंते धम्म पुत्र मैं देशद्रोह होने का करार दूंगा, इसलिए कि आप जाइए, बाबा साहब को मानते हैं।
हैं, संविधान को मानते हैं। आज के दिन इन साल न सही अगले साल बाबा साहब के दीक्षा को स्वीकार कीजिए, 22 प्रतिज्ञा को स्वीकार कीजिए, 22 प्रतिज्ञा को कानून बनाइए। जो देशद्रोही 22 प्रतिज्ञा नहीं मानेगा निश्चित तो देशद्रोह होगा, उसको संविधान कभी माफ नहीं करेगा। साधुवाद, धन्यवाद।